खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। बता दें कि धरसड़ा में अतिक्रमण पर चला शासन का बुलडोजर, न्यायालय के आदेश के बाद हुई कार्रवाई, जिला प्रशासन समेत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। बताते चले कि थाना बरगवां क्षेत्र के ग्राम धरसड़ा में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को ध्वस्त किया है। अब बता दें कि कुछ लोगों ने ग्राम धरसड़ा में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था। इस मामले में धरसड़ा के निवासी दादे राम बैस ने न्यायालय का रुख किया था, जहां उनकी सुनवाई करते हुए सुरेंद्र रजक, मुनिंद्र रजक, राम प्रकाश रजक एवं इंद्र प्रकाश रजक को शासकीय भूमि से बेदखली के लिए निर्देशित किया गया था। अब इसी मामले में फरियादी दादे राम बैस की रिट पिटीशन पर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आदेश जारी किया है। इसके परिपालन में आज एसडीएम चितरंगी, माइकल तिर्की, तहसीलदार दुधमनिया, सरिका परस्ते, तहसीलदार चितरंगी ऋषि नारायण समेत बरगवां निरीक्षक, बिघा विरुद्ध तिवारी, गोरवी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक भूपेंद्र पाठक भारी पुलिस बल के साथ ग्राम धरसड़ा पहुंचे, जहां बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को गिराया गया। आप देखते होंगे बुलडोजर से किस प्रकार से मकान गिराया जा रहा है। वहीं बताते चले कि पुलिस बल भी वहां पर मौके पर मौजूद है। तो बने रहे इसी तरह की लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए पोल खोल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।